अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कीअं तव्हां सभु? उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ुशबाश हूंदो, पंहिंजनि सां गॾु हूंदो, पंहिंजनि प्यारनि सां, स्पेशली पंहिंजे घर वारनि सां, जिथे बि जो ख़ुशि जो आबाद जो मुंहिंजी प्यार मोहबत दुआ हमेशा तव्हां सां गॾु हूंदो आहे। अॼु के प्रोग्राम में लाइफ स्टाइल सीज़न टू में तव्हांखे चऊं था भलीकार, असां पंहिंजे प्रोग्राम में महिमान घुराईंदो, उहे महिमान जंहिंसां तव्हां ॻाल्हाइणु चाहींदा आहियो, जंहिंजी ज़िंदगी जे बारे में तव्हां ॼाणणु चाहींदा आहियो, सो उहे शख़्सियतूं असां पंहिंजे प्रोग्राम में घुराईंदा आहियूं ऐं उन्हनि खां पुछंदा आहियूं उन्हनि जी ज़िंदगी जे बारे में, उन्हनि जी स्ट्रगल जे बारे में, त उहे जेकॾहिं अॼु हिन मुक़ाम ते आहिनि त कीअं आहिनि, उन्हनि खे पंहिंजी ज़िंदगी में कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि शयुनि खे फेस करिणो पियो, कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं पंहिंजी ज़िंदगीअ में आणियूं पयूं ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं पंहिंजी ज़िंदगी में उन्हनि खे हटाइणियूं पयूं जो अॼु उहे हिन मुक़ाम ते आहिनि। सो सॼी ज़िंदगीअ जे बारे में उन्हनि खां असां पुछंदा आहियूं, छो जो हर व्यूअर, हर परिस्तार चाहींदो आहे त जंहिंखे असां पसंदि पिया कयूं, जंहिंखे असां लाइक पिया कयूं, या कंहिं जंहिं असां परिस्तार आहियूं, असांखे हुनजे बारे में ख़बर हुजे। हर कंहिंजी इहा हूंदी आहे विश त असांखे ख़बर हुजणु खपे, सो असां पूरी कोशिशि कंदा आहियूं त हुनजी ज़िंदगी जे बारे में उन्हनि खां पुछूं। ऐं हर प्रोग्राम में हमेशह कोशिशि रही आहे त प्रोग्राम जेको आहे असां थोरो डिफरेंट रखूं, पंहिंजो थोरो अलॻि रखूं, प्रोग्राम में थोरी चेंज हुजे, छो जो हिकु जहिड़ो प्रोग्राम त हर जॻहि ते हले थो, पर थोरो प्रोग्राम में नवाण आणणु, थोरी तब्दीली आणणु, इहो जेको आहे असांजो हिकिड़ो छा चवंदा आहिनि स्पेशलिटी आहे। सो अॼु के प्रोग्राम में बि असां वटि तमामु सुठा महिमान हूंदा, उहे महिमान, उहे शख़्सियतूं जंहिंखे तव्हां पंहिंजे स्क्रीन्स ते या सोशल मीडिया ते तव्हां ॾिसंदा ई ॾिसंदा रहंदव, कॾहिं बि को अहिड़ो महिमान न आयो जॾहिं तव्हां ॾिसो त चयो इहो कहिड़ा, असांखे ख़बर ई न आहे। सो उहे महिमान हमेशह घुराइनि जेके तव्हां ॾिसंदा रहंदा आहियो। अॼु बि असां सां गॾु छो जो पेयर में हूंदा आहिनि, या त कॾहिं को सिंगर हूंदो आहे, या त कोई मॉडल हूंदो आहे, या त को एक्टर हूंदो आहे, पर सिंगर असां सां गॾु लाज़मी हूंदो आहे, छो जो तव्हांखे ख़बर आहे म्यूज़िक लवर असां आहियूं, मौसीकी रूह जी ग़िज़ा आहे, त जेतर म्यूज़िक न हुजे तेतर प्रोग्राम में जेका कमी हूंदी आहे उहा ज़रूरु असांखे महसूसु थींदी आहे। सो अॼु बि असांजे प्रोग्राम में हिकिड़ा सिंगर हूंदा ऐं हिकिड़ा टिकटॉकर हूंदा। तव्हां सभिनीनि खे ख़बर हूंदी त सोशल मीडिया ते सभिनीनि खां वधीक यूज़ कंदड़ जेको एप्लीकेशन आहे उहो टिकटॉक आहे। माण्हू ॿियो कुझु ॾिसे न ॾिसे पर टिकटॉक ज़रूरु ॾिसंदो, चाहे पोइ उहो कंहिं बि एज जो हुजे, छो जो सोशल मीडिया में जेके बि एप्लीकेशन आहिनि या त नंढड़ा ॿार यूज़ कंदा आहिनि, या त नंढड़ा ॿार यूज़ न आहिनि कंदा, या जेके एजड हूंदा आहिनि उहे न आहिनि यूज़ कंदा, या जेके नॉर्मल एज जा हूंदा आहिनि, सो नॉर्मल एज वारा जेके हूंदा आहिनि उहे ज़्यादातर यूज़ कंदा आहिनि। पर टिकटॉक हिकु अहिड़ो एप्लीकेशन आहे जंहिंमें हर क़िस्म जो माण्हू, हर लेवल जो माण्हू उनखे यूज़ बि करे थो, उनखे ॾिसे बि थो, उनखे फॉलो बि करे थो ऐं उन खां अलावा उनखे पसंदि बि करे थो। सो असां सोचियोसीं त अॼु असां उन एप्लीकेशन जे टिकटॉकर, जेके हिकिड़े सुठे टिकटॉकर खे पंहिंजे प्रोग्राम में घुरायूं ऐं उन्हनि सां कचहरी कयूं। यकीननि जॾहिं उहे असां वटि ईंदा त तव्हां पाण ई सुञाणी वेंदो त असां कंहिं टिकटॉकर खे घुरायो। अच्छा, ॿी हाणे जेकॾहिं असां सिंगर जी ॻाल्हि कयूं त तमामु सुठा सिंगर असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि, जेके तव्हां इलाही जॻहियुनि ते ॾिठो हुयो, इलाही उनजो माशाल्लाह सुठो आवाज़ु आहे, सुठो ॻाईंदा आहिनि, जेको बि ॻाईंदा आहिनि माशाल्लाह मयारी ॻाईंदा आहिनि ऐं हमेशह उन्हनि जी कोशिशि रही आहे त बहितरीन मां बहितरीन सॉन्ग मां सिंग कयां। ऐं छो जो यंगस्टर आहिनि, यंग आहिनि, त उहो पोइ उन हिसाब जा गाना वग़ैरह जेके आहिनि पंहिंजा रखंदा आहिनि पंहिंजी कलेक्शन में। सो असां सां गॾु सभिनीनि खां पहिरियां जेके महिमान आहिनि, मां टिकटॉकर जी ॻाल्हि कई, सो सभिनीनि खां पहिरियां मां उन्हनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में घुराईंदमि। असां सां गॾु आहिनि यूसुफ पठान साहब। आपसे बातचीत करेंगे, आप प्लीज बैठिए ताकि मैं आपके साथ जो इस पेयर में बैठेंगे उनको भी प्रोग्राम में बुला लूं। अच्छा, ब्या जी का मुंह सिंगर जी गाल के माशाल्लाह तमाम सुठा सिंगर आई जले ता पान उनन के दिसन तो सुनाणी मिलो। सो इससे गन मौजूद है जामिन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की आयो? ठीक ठाक आयो? तहां के प्रोग्राम में वेलकम तक आयो। सो आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं हम, बहुत अच्छा लगा आप दोनों को यहां पर देखकर। एक हमारे पास सिंगर है, एक हमारे पास टिकटॉकर है। सो टिकटॉकर जरा होते हैं हमारे पास ज्यादातर, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी उनकी कम है। लेकिन अब हमने सोचा है कि अपने प्रोग्राम में एक सिंगर या एक मॉडल या एक एक्टर के साथ हम एक टिकटॉकर लाजमी बिठाएंगे अपने साथ। सो आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। और बेसिक आपने जो टिकटॉक के लिहाज से मुझे पहचाना है, बेसिक मैं एक्टर हूँ। हाँ। और मैंने काफी फिल्मों में और टीवी ड्रामे में। पहले मुझे ये बता, सिंधी में बात करनी है? बस गुजारा कर लेता हूँ, लेकिन बोल लेता हूँ। हाँ। लेकिन ये कि सिंधी भी बोलेंगे, खैर अपने हमारी जबान है सिंध की, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, हमारी पाकिस्तान की जबान है। बेसिक मैं एक एक्टर हूँ। हाँ। और मैंने सिंध टीवी पे बहुत काम किए। अच्छा। और खासतौर मुझे जो लेकर आए थे वो इमरान चाटियो थे, जो ड्रामा इंडस्ट्री में लेकर आए थे। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम किया सिन टीवी पे, और उसके बाद फिर मैं टिकटॉक पे। हाँ। आपको नजर आ रहा हूँ। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा। जामिन असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। जामिन, माशाल्लाह तव्हां जा सॉन्ग्स ॿुधंदा रहंदा आहियूं, हर चैनल ते तव्हांजा सॉन्ग्स हलंदा आहिनि ऐं हर सोशल मीडिया जे जिथे बि असां ॾिसूं त तव्हांजा सॉन्ग्स हलंदा ई रहंदा आहिनि। सो माशाल्लाह तमामु सुठो तव्हां बि कमु करे रहिया आहियो। सभिनीनि खां पहिरियों मां तव्हांखे पुछंदमि, तव्हां शुरूआति कॾहिं खां कई?
शुरुआत मां 8 साल में पहले का स्टार्ट कयो अच्छा तकरीबन अभी मके 19 साल थी चुका है फील्ड में माशाल्लाह सा जेको भी कदा हो मुझे कोशिश ही होती है सुठे का सुठी शायरी दिया हां सुठे का सुठी शेर दिया जेको मयार हो जेको मैं उस्ताद बुखारी थियो शेख हयात थियो लतीफ सरकार थियो ब्या भी जेके शायर गाइंदा उन जी मयारी शायरी हुंदी है त गाइंदो ठीक है अच्छा आपसे ताहा का अच्छा मैं आपसे उर्दू में ही बात करूं या सिंधी में बात करूं उर्दू में बात करूं आप मुझे ये बताएं कि टिकटॉक को काफी टाइम हो गया है मेरे ख्याल में 3-4 साल हो गए उससे पहले म्यूजिकली होता जी, था फिर अब टिकटॉक प्रोफेशनली आ गया जो सब टिकटॉक यूज कर रहे हैं आपने यूज करना कब स्टार्ट किया मैंने जब टिकटॉक यूज किया तो उसके तकरीबन मेरे ख्याल को 7 महीने हो गए होंगे 7 महीने आपको हो गए जिसमें आपने इतनी शोहरत पाई है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है या बंदी नहीं है जो आपको जानती ना हो क्योंकि जैसे ही मैंने यूसुफ पठान बोला होगा तो सभी पहचान गए होंगे कि भाई किस टिकटॉकर को मैंने बुलाया तो कैसे ये अचानक से इन 7 महीने के अंदर आपने मिलियंस में अपने फॉलोअर्स बनाए और अपनी हर दुनिया में आपने जो है अपनी पहचान बनाई कैसे इत्तेफाक हुआ ये वो ये हुआ कि मैं कहीं पे गया एक प्रोग्राम में तो वहाँ मैंने कुछ टिकटॉकर को देखा और जब मैं हर प्रोग्राम में जहाँ भी बैठता हूँ मैं बोलता हूँ तो उस टिकटॉकर को मैंने देखा तो मैं उनके करीब गया हाथ मिलाने के लिए मैंने बोला इनसे हाथ मिला लेते हैं चलो हम इनको सोशल मीडिया पर देखते हैं टिकटॉक पर तो मैं गया हाथ मिलाने के लिए तो उसने मैंने सलाम किया टिकटॉकर को तो उसने मुझे बोला कि सॉरी यार और हमें देर हो रही है हमारी लिफ्ट आ गई हम जा रहे हैं अच्छा उसमें कुछ हमारी बच्चियाँ भी थी लड़कियाँ भी थी लड़के भी सारे टिकटॉकर थे तो मुझे कुछ अपने आप को गिल्टी महसूस हुआ कि यार मैं क्यों गया तो मैंने बोला हमारे भी एक मुकाम है हम भी एक एक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी मेहनत की स्ट्रगल की इस मुकाम पे पहुँचे मैंने काफ़ी फिल्में उर्दू की भी की हैं पश्तो की भी की हैं सिंधी की भी की हैं मैंने नामवर फिल्में दी हैं मैंने सिंध मीडिया को भी तो मुझे कुछ अपना आप गिल्टी महसूस हुआ मैंने यार छोड़ो फिर मैं घर आया सोचा इस बात को कि यार मैं क्या करूँ इस तरह कि इनका मैं मुकाबला कर सकूँ मेरे जो नए बच्चे जो हैं हमें अल्लाह ने देन दी है कि हम एक्टर्स हैं बेसिकली तो यार उनको एक्सप्रेशन दूँ उनको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ वो देखे इस चीज़ को जो एजेड हैं मतलब मेरे एज के जो हैं वो अब उम्र से वो तकाजत कर गए कि यार वो बिस्तरों में लेट गए और उनके जहन थोड़ा सा वो हो गया कि यार हम ख़त्म हो गए हमारा कुछ नहीं है बीमार है वो मसले तो मैंने यार उनको एक मैं चीज़ दूँ कि वो आगे आए तो मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाई और मैंने 3 वीडियो बनाई स्टार्ट के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी मैंने डब्बे बांधे कलर के डब्बे बांध के उस पर मैंने बलोची सॉन्ग पे मैंने ढोल बजाया अच्छा वाह उससे मैंने ढोल बजाया और वो दूसरे दिन मुझे किसी और ने मुझे पता नहीं था कि एप्लीकेशन में क्या होता है क्या नहीं होता है ये टिकटॉक क्या चीज़ है तो मैं एक सेट पर गया ड्रामे की शूट पर तो मुझे कैमरा मैन शहरोज ने बोला कि यूसुफ भाई मैंने बोला बोले यार आप तो बड़े वायरल हो गए मेरा खैरियत तो है क्या किसी मैं तो वायरल हूँ मीडिया में कहा बोले नहीं आप टिकटॉक पे वायरल ना मैंने लिया क्या तो बोल रहा है उससे मुझे वीडियो दिखाई तो मैंने देखा तो वो मिलियंस पे गई हुई थी तो मैंने बोला ये तो एक अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे जो बच्चियाँ हैं मेरे जो बच्चे हैं जो छोटे हैं बड़े हैं मैं उनके साथ वीडियो बनाता हूँ इस टाइम टिकटॉक की फॉर यू पे मेरे मेरे साथ हर वो बंदा है मैंने हर उस बंदे के साथ बच्चे के साथ वीडियो बनाई है जो समझता है कि यार मैं फॉर यू पे आ जाऊँ शौक होता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबको हर किसी को चांस दे बंदा नहीं कि अगर आप कुछ बन गए हो तो आप अपने से कम बंदे को कम ही समझो मैं बेसिक पठान हूँ बिल्कुल मुझे इमरान चांडियो हमारे जो डायरेक्टर माशाल्लाह और पीएम भी हैं खैर मोहम्मद खेड़ो जफर जिस्कानी और ख़ास तौर हमारे जो बहुत मेरे अजीज में कहूँगा मामा आरिफ बलोच उसने और काफ़ी मतलब सिंध मीडिया खास तौर सिंध टीवी ने सिंध टीवी को अपनी में माँ समझता हूँ क्यों मेरी पैदावार यहाँ की है मुझे इस सिंध टीवी ने पैदा किया है अब मैं काफ़ी उर्दू ड्रामों में काम कर रहा हूँ फिल्मों में उर्दू की काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शोहरत इज्जत जो भी मकाम मिला है पहले तो सिंध टीवी ने फिर सिंध के लोगों ने मुझे पसंद किया है मैं उन लोगों को भी सलाम करता हूँ जो मुझे पसंद करते हैं जी आपकी तरफ आएंगे दोबारा आपसे बातचीत करेंगे जामिन से सगर मौजूद है जामिन ताहा तो चो जरी में ताहा 8 इयर्स आयो तरी का ताहा सिंगिंग करन स्टार्ट कयो है मैं पो न खा पो ताहा के ताहा प्रॉपर जको है पजो कम स्टार्ट कयो हाने ताहा जी सिंगिंग ते ता सा गाल आइंदा से छो जो टिकटॉक ते गाल पई ले त मा जे के ताहा के टिकटॉक सा कनेक्ट कया तो ताहा यूज कना है टिकटॉक बिल्कुल सोशल मीडिया आए वो भी आजकल जो मोस्ट रनिंग है पाए त सा जका भी जी जगह पोस्ट आयो टिकटॉक ते भी छरी नयो
तो जी मानो उतना भी दिसी सकन जितना भी दिसी सकन बल्कि बेसिकली तो टिकटॉक में घटी यूज करना है पर हां YouTube ते घणो ध्यान दिना है वही Facebook ते जो तहां जो प्रोफेशनल वर्ड जो वो सिंगिंग है खास करे सा टिकटॉक करना है उन असा टिकटॉक असा फील्ड वाला है जी बिल्कुल मां तहां जी फील्ड सिंगिंग फील्ड ते तहां सा गालाइंदम पर प्रोग्राम में व्यूअर्स टाइम टू एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो तो मोटो द ब्रेक अप और इसन रहो लाइफस्टाइल सीजन 2 भरपूर फायदो खड़ों खूबसूरत गानों बुदो तहां असाके खूबसूरत को गानो बुधायो आई तहां प्लीज सर म्यूजिक प्ले कयो दादू जाने को तो खिचाया तक मुदे मत जो आया की हा गाल सची आहे दिल तो खेती ही चाहे ई हा गाल सची आहे कागज मोही दिल तन लहदे इक लम होती सामिन बठ दिल तन लहदे इक लम हो भी मां पूरे जेड़ो मान ना हा घुमुदे मां तुझो आया इहा गाल सची आहे दिल तो खेती ही चाहे इहा गाल सची आहे दिल तो खेती ही चाहे दाडो जाने तो तोखे चाहे मत जो आया यहाँ गाल सची आहे दिल तो खेती ही चाहे यहाँ गाल सची आहे दिल तो खेती ही चाहे वाह जी वाह जबरदस्त माशाल्लाह या गाल सची है दिल तो खेती नहीं आहे सो कंपोजिशन के जी आ या पुराना गाना है सारे सबनी गाना गाया वो दो गाना हां मतलब कॉपी ट्यून अच्छा ठीक है आई शायरी शायरी ऐसा जो प्यारो शायर है लाखन के राजा सम्मो अच्छा उनकी शायरी है तहां सबनी का वदे केड़ा गाना लाइक करना गाना ये जी के है फास्ट सॉन्ग्स एंड ये रोमांटिक सॉन्ग्स या सैड सॉन्ग या क्लासिकल सॉन्ग यो मतलब बुधन जी गाना तो मुझे जो मूड लिसन जो हों वर्सलट टाइलिटी में हों कल फास्ट गाना बुध दिल चवन है कम स्लो कम सैड खास कर मतलब स्लो जो गाना हों पसंद खास कर अरिजीत अच्छा ठीक है अच्छा व्यूअर्स के मां एकड़ी गाल बुधाईदी हलन जेकडे उ यूसुफ पठान के एज अ टिकटॉकर सुनाणन था त टिकटॉकर त बिल्कुल उ आई नहीं उन सा गडो गड उ एकड़ा तमाम सुठा एक्टर बायन शायद यो इंट्रोड्यूस उनन न करायो या के करायो न मां ता के बुधाईदी हला त उन जी जका एक्टिंग जी शुरुआत थई उ सिन टीवी का थई उनन का पो उनन तमाम गडो फिल्म्स कयो उर्दू फिल्म्स कयो पंजाबी फिल्म्स कयो आई पश्तो फिल्म्स भी कयो उन का पो ये जके इन सोशल मीडिया जे ऐप टिकटॉक ते आया सो मां यो पने व्यूअर्स के क्लियर करनी है ना तो तहां बिल्कुल अच्छा तहां का मैं पूछा तो तहां कदे का एक्टिंग जी शुरुआत कही हुई सिन टीवी ता केतरो टाइम थी वे ने गाल के तकरीबन 2004 में की मैंने 2004 में आपने एक्टिंग से स्टार्ट लिया था उसके बाद आपने यहां पर हमारी काफी ऐसी फिल्म्स है अच्छी-अच्छी फिल्म्स है जिनका नाम है वहां पे उन फिल्म्स में आपने काम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूंगा कि मैं खुशनसीब बंदा हूं जो मुझे सिन जैसा सिन टीवी जैसा प्लेटफॉर्म मिला हाँ। और अल्लाह ने मेरे मेरी एक सुनी बात तो और मुझे अच्छे लोग मिले अच्छे लोग सबसे मिले। बड़ी बात ये होती है कि आपको अच्छे लोग मिले और हमारे जो इस चैनल के मालकान हैं हाँ। और उन्होंने खास तौर मुझे उन लोगों को कहा कि अगर ये पठान है तो है ना कहो चो यार है ना कि सिंधी से कारो बोले सिंधी में गलाए बोले सिंधी में एक्टिंग करे बड़े हाँ तो वो मकसद उसने इस तरह की बात की मेरे से और इमरान चांडियो खैर मोहम्मद खेड़ो मामा आरिफ बलोच अभी भी मेरा एक ड्रामा चल रहा है सिन टीवी पे सीरियल है फासलो जिसमें मेरा खान बाबा का करेक्टर है
और ये गेटअप जो मुझे है उस खान बाबा से मिला। अच्छा, मामा आरिफ बलोच ने मुझे कहा कि यूसुफ तुम ये गेटअप रखो। अच्छा, इस हमारे जो शो के डायरेक्टर है सलीम जान साहब, उनके साथ आपने कितना? वो मैं पीटीवी से जानता हूँ उनको, मैं फाइटर था। अच्छा, उनको पता है मैं फाइटर हूँ, सलीम जान को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सलीम जान रिंद पूरा नाम उनका, और माशाल्लाह ये पूरा खानदान जो है मीडिया से रिलेटेड है, आज से नहीं है, जमाने कदीम से। हाँ। जब से हमारे टीवी चैनल्स वगैरह आए तो ये जब से इन लोग हैं उनमें। हाँ। और सलीम जान के लिए कुछ अल्फाज तो मेरे पास है नहीं, बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा हमारे भाई है, और एक साथ काम किया, और वो मुझे बेसिकली एक्टिंग के लिहाज से नहीं जानता, वो मुझे फाइटिंग के लिहाज से जानता है, क्योंकि उनके जो बड़े थे वो साकी साहब, तो उनके साथ ये आते थे। हाँ। तो मैं फाइट करता था फिल्मों में। हाँ। मैं फिल्में फाइटर था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैं उस वक्त जैसे इनको जानता हूँ, और हाँ। इस तरह हमारे जितने भी, मैं बेसिकली ये कहूँगा आपको कि मैं इसलिए उर्दू बोल रहा हूँ कि मेरे कुछ अल्फाज हिंदी के गलत ना चले जाए। बिल्कुल जी। और जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं तो जो हमें डायरेक्टर देता है, डायरेक्शन देता है, तो वो अल्फाज वो सुन रहा होता है और फिर हम वो बोलते हैं। अगर खुदा ना खास्ता मेरी जबान से कोई गलत अल्फाज निकल जाए तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं सिंधी की बहुत कदर करता हूँ। हमारे लिए प्राउड की बात है कि आप हमारी लैंग्वेज, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं चलो हमारी जो लैंग्वेज है उसको ज्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं या उसका ज्यादा कर रहे होते हैं, दूसरी लैंग्वेज को मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं कि यार सिंधी है या ये जो भी है। सो ये अच्छी बात है कि इंसान हर कौम से, हर जुबान से प्यार करे, क्योंकि ये सारी जुबानें हमारी अपनी है, अपने लोग हैं। सो जामिन तहां मुके बता तो तहां सिख्या के का वर्ती असल ने माजी का शुरुआत कही हुआ उस्ताद मोहम्मद यूसुफ तहां को दो वो मुझे मामा है। तो मुझे मतलब वडे थन का पेरी में इंतकाल थी हो जदे मां थोड़ो संभल जस्त मोने जा जके एल्बम होया उन जी कैसेटन मां सिख्या वर्ती। अच्छा अच्छा अच्छा। उन जी कैसेटन के बुद्धि 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 करे मु गायन शुरू कयो। हां तो जनमाल मतलब मां आर्टिस्ट थी वैसे ही एल्बम्स मुझे शुरू थे, तो मां उस्ताद कयो। हाँ। उस्ताद मजीद खान। हाँ। बाबा अब गदगद से खरीदा मुखे। हाँ। हानो को जो को मुझे उस्ताद उस्ताद फतेह अली खान जका सिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जबरदस्त। तमाम सुठो तहां गाईदा आयो। आपका कभी शौक हुआ गाने का? क्योंकि हर इंसान जब स्पेशली ये हमारी जो शोबिज फील्ड है ना, इसमें जब आता है कोई भी तो बोलता है इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी काम है वो सब मैं करूं। कभी शौक हुआ जब सॉन्ग आप सुन रहे होते हैं या लाइव सुन रहे होते हैं? मुझे आज कुछ सुना दे आप लाइव। असल में मुझे मेरी आवाज फटी हुई है, ब्लास्ट है सीधी बात, मेरी आवाज विलन की आवाज है, ब्लास्ट आवाज है मेरी। मैं जब गाता हूँ तो मुझे खुद अपना आप अजीब लगता है। हाँ। मैं सीधी बात बोलूँ, और जो सिंग जो आवाज निकलती है तो वो दिल और गले से जो निकलती है। हाँ। जो आप जैसे भाई हैं हमारे। हाँ। तो अच्छी लगती है, कानों पर भी अच्छी लगती है, उसके म्यूजिक भी अच्छे बनाए जाते हैं, और हमारी आवाज भारी आवाज है, तो ऐसा लगेगा वो मजबूर आशिक मजबूर है, उसी समझ भी नहीं आ रही लोग बोल रहे होते हैं ना, तो बाबा भी कर रहे होते हैं। प्रोग्राम में एक भेर बीहर तक चूं था भलीकार प्रोग्राम असो हली रो है। जामिन से सगन मौजूद है तो मैं चाहम ट्रैक तो अस उन बुधंदे, पर एक प्रोग्राम में नंबी शे असा तो जो भी सिंगर इन उन कुछ नंढड़ो थोड़ो सफा अस लाइव भी बुधा आयो ताकि व्यूवर्स के असें खबर पे तो सिर्फ ट्रैक तक ना बुध लाइव भी तक बुधाइंदा, छो जो इलाही मन की विश रही है तो जैसे सिंगर के असर बुधा तो थोड़ो उन लाइव में भी आवाज़ बुधूँ। सो हिंसर जो तुम कुछ असें ये बुधा छो जो तुम पसंदीदा गाना जो लाइव तक बुध तुम ट्रैक बुध। अच्छा, मुझे जो को पसंदीदा गानों पाए जो को मुझे इलाही हलो पाए बचपन का थी एस्ता ही। हाँ। प्रोग्राम में विंदो है 88 दफा फरमाइश दी है उन्होंने। अच्छा, उस्ताद बुखारी जी शायरी है। हां, वो ताक अपडेट कर दो सही यूसुफ भाई के अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई पूरा जी के नाज़रीन सके दिसन पे उनके अपडेट। ओके जी, इको खोल दे तू भली दुर्वा नाज़क देर कर ए तेरी सोच कर जिंदगी मुख्तसर तू भली दिलरुबा नाज़क देर कर दिल घुरे थी मिठा हलते काछो घूमू ककरियुन मां पियूं टक रियुन ते घूमूं इश्क तूफान आ तंग आ है शहर
ए तेरी सोच कर जिंदगी मुख्तसर, तू भली दिलरुबा नाजक देर कर। तमाम बेहतरीन वाकई तव्हांजो हिट सॉन्ग आहे जी, ऐं इन जी लिरिक्स बि तमामु सुठी आहे। सो जाते वक़्तु मैंने आपसे पूछा था कि आप जो है गा नहीं सकते, क्योंकि हर चीज इंसान हर कोई हर चीज नहीं कर सकता, हर कोई अपने फन का माहिर होता है। सो आपका अगर हमने एक्टिंग की बात की, उसके बाद अगर हम टिकटॉक पर अगर दोबारा आ जाता है तो उसमें आपसे पूछूंगी कि जब आपकी पहली वीडियो वायरल हुई थी, आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि जब भी कोई इंसान वीडियो बना रहा होता है तो उसको फीलिंग आ रही होती नहीं यार ये मैं बना रही हूँ, ये थोड़ी वायरल जाएगी, जरा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी या थोड़ा बहुत उसमें उम्मीदें थी आपको? नहीं, जब मैंने वीडियो बनाई तो उस टाइम मेरी साली मेरे साथ थी, और मेरी सालियाँ घर में हम लोग बैठे थे, मेरी सालियाँ भी थी, मेरी वाइफ भी थी, बच्चे भी थे सारे। हाँ। तो मैंने वीडियो बना के तीन वीडियो मैंने बनाई थी, मुझे आज भी याद है। हाँ। तो तीन वीडियो को मैंने दिखाया तो मेरी साली ने मुझे बोला कि लाला ये वीडियो डालो। हाँ। मेरी साली ने कहा, हालांकि उस फील्ड से वाकिफ नहीं है, बिल्कुल घर की औरत है। हाँ। उसने मुझे बोला भाई ये वीडियो डालोगे ना तो ये अच्छी वीडियो लग रही है, आपके इसमें एक्सप्रेशन अच्छे हैं। तो मैंने बोला चलो बेटा, मैंने तीनों डाल ली। अच्छा, मैंने उस पर कोई हेड शेक टैग वगैरह नहीं लगाया। हाँ। वो जाहिल नहीं होते, जो एक चीज को ना समझ होता डाल ली। दो दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरी वीडियो वायरल हो गई। वो जो आप स्लो मोशन पांव के साथ कर रहे हैं। नहीं, मेरी पहले जो हुई थी ना वो ढोल वाली हुई थी। अच्छा। बलोची सॉन्ग पे हुई थी। हाँ। मैंने वो तो काफी लोगों ने इसको चीट किया है, इंग्लिश फिल्मों में कार्टून बने उसके ऊपर दोबारा। और अभी जो मेरा ये ट्रेंड मैंने निकाला, जो ट्रेंड मैं करता हूँ, जंपिंग का मेरा ट्रेंड है ये बेसिक, जो मैं इस ट्रेंड पे बहुत कोशिश फोकस करता हूँ तो इसलिए करता हूँ। हाँ। एक तो हमारे जो पाकिस्तान के हमारे बच्चे हैं, किसी सूबे से भी हैं, वो मुझे कॉल भी करते हैं, मेरे पास जब मिलते हैं। हाँ। वो मुझे कहते हैं कि अंकल हम आपकी ये वीडियोस जो देखते हैं। हाँ। तो हम पहले इंग्लिश कार्टून देखते थे। हाँ। तो हम ये देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम कार्टून नहीं देखते। हाँ। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, जो मेरी एज के लोग हैं जो इस उम्र में है, तो किसी को दिल की बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है। हाँ। किसी को क्या है, किसी को क्या है, क्या है? तो वो बेचारे सदमे में आ चुके हैं। हाँ। और घरों में लेट चुके हैं, औलाद बड़ी हो जाती है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर, नाकारा हो गए। तो इसी मेरे पड़ोस में मेरे दोस्त थे काफी, जो मेरे बचपन के दोस्त थे, वो काफी बीमार थे। हाँ। और अपने अपने घरों पे थे वो लोग। तो जब उन्होंने उनके औलाद ने उनको दिखाई कि यूसुफ अंकल की वीडियो देखो, तो उनमें भी जोश आया। तो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि मैं सुबह नमाज जब पढ़ता हूं तो मैं 1 किलोमीटर जो है ना मैं वॉक करता हूं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। 1 किलोमीटर सुबह की जो नमाज के बाद जो वॉक है ना वो मैं करता जरूर हूँ। हाँ। अच्छा, वो नमाज पढ़ते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे, घर में होते। आज वो लोग मैं देख रहा हूँ जो मेरे दोस्त थे, वो आज मेरे से आगे होते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए। तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग कुछ तो कुछ तरबियत आती है। बिल्कुल। और काफी लोगों का ये सवाल भी होता है कि भाई ये इतना एक्टिव कैसे है एज के हिसाब से, कि भाई इतना, क्योंकि आपका वो जो एक स्लो मोशन है वो इतना आप एनर्जी के साथ कर रहे होते हैं, तो लोगों के मन में एक सवाल पैदा होता है कि ये इतनी एनर्जी आई कहाँ से। तो एनर्जी का राज ये भी है कि आप वॉक किया करें और इस तरीके से। और दूसरा, व्यूअर्स के मां यो बुधाई मिला तो जडे को मानू पंजी जिंदगी में कामयाब तो थे या तरक्की तो करे, तो जरूरी ना है तो ता उन जे पोया रुगा उन जे ऐप तलाश कयो। इनन जी बुधायो ता शायद उनन के सिर्फ यो सुनानी दा तो हुकरे स्लो मोशन ठायो वायरल थी वे इनन जी पहचान टिकटॉक आ। त ना, हर इंसान पर जी जिंदगी में इलाही कम करे पो टिकटॉक ते ना, ता ये ना समझो तो बस ना है टिकटॉक रा ना तेकरो टैग नी छंदायो ता तो वांदा इनन नोट कम ना या छा बा ता के इन करे असा पान पाण वटेडा मेहमान घुराई नायो उनन जी असलियत असा के खबर पे, उनन जी जिंदगी जी असलियत असा के खबर पे। तो ता खबर पई जी वई हुंदी त सिर्फ टिकटॉक ना है या सिर्फ यो हिकड़ो कम ना है, इन सा गड गड ब्या कम बा है, इन सा गड गड असन जी पांजी शोहरत पांजी मेहनत अगे थल ला है। यो तो समझो हिकड़ो थी वियो बाय चांस थी वियो यो सब छियो। सो यो व्यूअर्स के मां क्लियर पे करन टाइम। अच्छा जामिन, तहां सा सेकंड मौजूद आयो, तहां चयो त तहां जो कदे मूड हुंदा त तहां जो क्लासिकल वधिक बुधंदा, कदे फास्ट तहां बुधंदा आयो, सिंगिंग तहां करे रहया, पंजे ही गानन में मॉडलिंग भी तहां कई आए काफी गानन में। सो जने तहां सिंगिंग कंदा आयो तो तहां जो कदे मूड थियो त मां पंजी शायरी में भी गाया? ना, शायरी जो मुझे कदे मूड न, शौक ना है ना, ना शादी शायरी शौक ना। तहां जी फैमिली में कोई सिंगर होयो? मुझे मामो है उन साथ, मामो यूसुफ जी को बुधायो। ठीक है। वो तहां जी मामे जी तहां के सपोर्ट हुंदी यकीनन? ना, सपोर्ट मु चाहे ता के बुधायो ता नंडड़ो ही वस्तु गुजारे रहा। तो उन्हें जो कैसेट जैसे मैं वो थे सपोर्ट जो कैसेट जैसे बुध ना, हाँ, हाँ, तो उन्हें कैसेट में सीखी करे। हाँ।
तहां मतलब उनन के मतलब तहां उनन जे गानन मा उनन जी शोहरत मा इंस्पायर थी करे तहां सोचो त मा ब सिंगर थिया ऐ उनन के तहां अज दिन ताई उनन के फॉलो कंदा पिया छो ऐ उनन का अच्छा छो जो या फील्ड लेडी आ सिंगिंग फील्ड कदी ता जी फैमिली चियो त न सिंगिंग न कर कुछ बियो कर ये न सपोर्ट मशहूर का मशहूर गाना थी गुजरे हैं तू भली दिल रुबा इश्को चर्चो रो शो सामू ही हादसों अवान आयो तो पेंजे दिल अखियों में सुना तो वे सब उस्ताद जा गाना हुआ उस्ताद जा जेके मा रीमेक करे पेश किया है अजके दौर में जेके आजकल जी जनरेशन के या यूथ के भी खबर न हुई तो मा उनके पेश किया था आजकल जी यूथ के मुझे हिसाब से वणन था आए असल में उस्ताद जा बिल्कुल जी अच्छा हाने तहां का एक भी गाना बदना से छो जो गाना जितना वधिक बुधो उतरो सठो आए सो हियर ता का गाना था बुधो असा कुछ खूबसूरत असा के बुधायो ए म्यूजिक चली तो राहुल में के आशिक रोले चली तो जुल्फ़ हवा में जगहे खोले चली तो राहुल में के आशिक रोले चली तो उस न तुझे जो माया दीवानो मता मुसा तू करी दिल बर ठगी मता करी तू मुसा दिल बर ठगी वाह जी वाह जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह कैसा लगा आपको बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया इस वक्त आपके कितने फॉलोवर्स हैं 2,000,005 मतलब ठीक है अच्छा आप जो है उन स्लो मोशंस के अलावा आप
बेसिक मैंने आपको कहा ना कि मैं एक्टर हूँ, तो मेरी कोशिश रही थी कि मैं वो हर चीज दूं लोगों को। अभी मेरी एक वीडियो वायरल हुई है, वो मैंने एक बाप और बेटे के सर्दी के लिए मैंने बनाई थी कंटेंट वगैरह, वो तकरीबन लाइक के ऊपर 1 मिलियन सिक्स पे चली गई, उसको लाइक मिले। उसमें एक ट्रेंड था और मैं हर ट्रेंड करता हूँ, और मैं गरीब भी बन जाता हूँ, अमीर भी बन जाता हूँ उसमें। और मेरी कोशिश होती है कि मैं मैसेज दे सकूँ किसी को। तो मैं मैसेज देखने के मुझे लोग बेस्ट कमेंट्स भी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं मुझे बेस्ट कमेंट्स। और लेकिन मैं यही कहूँगा कि अल्लाह उनको और तौफीक दे। चलें जी, आपके लिए एक लाइव कॉल भी आई है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अदा कह रही था दमसाज अली जोखो फ्रॉम हैदराबाद। आवाज तान जन पे होचे थोड़ो तेज गल आयो दा। हेलो अच्छे पे आवाज? हां हां अच्छे पे। की आयो, ठीक ठाक आयो? अदी बिल्कुल ठीक ठाक आयो। तमाम भेर खुश आयो, खैर खैरियत आ, माशाल्लाह तान जो सतो प्रोग्राम हली रहा आयो। आई ता भी अज एवर ग्रीन पे लगो मुजी बहन। थैंक यू सो मच अदा, बड़ी मेहरबानी है वाजी, तमाम सुठा। आज से सगत मेहमान मौजूद है, निकड़ा सिंगर, निकड़ा टिकटॉकर है, सोहिते अस सगत जामिन अली भी मौजूद है, गलाइन चाहिंदो? हां हां बिल्कुल, यूसुफ भाई पंजाबी असा फेमस तमाम फैन आयु असा आई अदा जामिन जात बिल्कुल असा दिल रुबाए अदा जामिन बिल्कुल अदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदा, साल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह की आयो, ठीक है अदा, मजे में तू भली दिल रुबा जी 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 उने में मां बस तू ता के अगर इजाजत हो जे अती जी त मां चवा। हां चओ। जा के मेंगी ततो से लिखा को मिठा वाह वाह निंद में ख्वाब तू का लहत को मिठा। क्या बात है। बंद में धुंध में आई तू जी पकर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जबरदस्त। थैंक यू सो मच अदा, प्रोग्राम में तहां शामिल थे, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सो यो या संजा कॉलर आई जे तहां सा गड गलायो भी आई ता जोड़ो एक गानो भी बताया। अच्छा तहां जो गानो ही होना खा वो सागे जो तू भली जरूर बा। अच्छा अच्छा वो ही होयो, ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा मां अलग छाप ही पूछा था, मतलब हाँ आपने जैसे बताया कि मैं एक्टर हूँ, आपकी कोशिश रहती है कि वो वीडियोस बनाएं जिनमें कोई ना कोई मैसेज हो। सो मैसेज वाली भी आपकी माशाल्लाह बहुत ज्यादा वायरल जाती है। ठीक है जी व्यूवर्स, अजा कचहरी असि जारी रही, अजा खोट सारा सवाल जिन सब पूछना है, पर प्रोग्राम में टाइम थी वे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, जो मुझे ब्रेक आप रहो लाइफ स्टाइल सीजन 2। वेलकम बैक व्यूवर्स, प्रोग्राम में एक बार बीहर असा चौं था भली कार आई हाँ जो है एक खूबसूरत गानों बुधायण वारा आयो, तो उन गाने के बारे में कुछ तारीफी जुमला बयान करण वारा आयो। सो हियर चाहिंदम ब्रेक हवा पस आयो, पहले गानों तो बुधी वठो, पो पंजो असा कचहरी जारी सारी रखंदासे। सो जामिन गानों ता बुधायो, ता जो को पंजो फर्ज पूरो करण आया वो कयो।
खुशी जिंदगी तू बंदगी तू दिलबरी तू माशाल्लाह तमाम बेहतरीन आई तमाम सुठो अंदाज अच्छा तहां जामिन जी तुम फैमिली में तुम मामा हुआ उन हाँ जी माशाल्लाह शोहरत हासिल कई है इन सिंगिंग फील्ड में तो फैमिली में कहीं कहीं बे जो शौक थो तो जामिन वांगुर असब गायो मुझे पुट है जो चार साल जो पंज साल जो अच्छा माशाल्लाह माना ता अगर उन जो टैलेंट दिसन दो हां मा माना जे टिकटॉक ता उन दिसन दो तो भाई सौ रुपए पे पान कंदो है टिकटॉक पान ठाइंदो है जे अगर ता उन गाण में इंदो तो मुंजा गाना सेम गाइंदो है अच्छा हां ओ कने उन के बठी अचो ता हां बिल्कुल मैं यो सोचो तो के पढ़ाईंदो साफी सरकन पर हियरी खाई उन जो ट्रेंड यो हली भी है तो मतलब मुझे ट्रैक ते हले तो अच्छा तो कर सके हां बिल्कुल बिल्कुल हां पढ़ाई सा गडो गड जे कने उन के उ कुदरती कड़ी दात मिले ला ता जे तरफा बिल्कुल तो उन के भी ता कंटिन्यू रख जो बचपन खाई जे ता वरी उन सा कोई उस्ताद रखी छड़न हो छ ता पाण ब आयो तो ता पाण उन के सिखाईंदा हुंदा बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जब आपकी फैमिली में अड़ोस पड़ोस वालों ने तो सबने सोचा होगा कि अगर यूसुफ भाई कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए आपकी फैमिली में आपकी एज वाले या आपसे कम एज वाले या ज्यादा एज वाले कभी उन्होंने आपको देख के सोचा कि हमें भी टिकटॉक बनानी चाहिए हाँ कहा मेरे मोहल्ले के जो लोग हैं जहाँ मैं रहता हूँ उन लोगों ने काफी उनको शौक हुआ वो बना रहे हैं अभी लेकिन मेरी फैमिली जो है बेसिकली तकरीबन मेरे मीडिया में मुझे सब जानते हैं कि हम मौलाना फैमिली से हैं मौलाना फैमिली से हाँ। हमारे जो मेरा बेटा है माशाल्लाह आलिम है मुफ्ती हैं माशाल्लाह मेरे बेटे जो हैं मेरी बेटियां अलमा हैं तो रब की बड़ी करम नवाजी मेरी जात के ऊपर माशाल्लाह और मैं ये कहूँगा मेरा एक बेटा है अभी जो दो बेटे मेरे लगे हुए उसको शौक हुआ हाँ। कि यार वो पहले तो मुझे स्टार्ट में मना कर रहे थे कि अबू ये नहीं करो ये नहीं बनाओ अच्छे लोग नहीं कमेंट्स गलत देते हैं आपको वो कमेंट्स पे आपको पहले बैड कमेंट्स भी होते हैं तो मैं मतलब तो जिसकी वीडियो फॉर यू पर चले ना समझ लो उसके लिए बैड कमेंट्स आना शुरू जी तैयार रहते हैं वो तैयार रहते हैं तो मैं तो खैर उसके ऊपर और कुछ नहीं था लेकिन मुझे टिकटॉक से जो नुकसान हुआ हो रहा था या हुआ हाँ। तो वो मेरा ये था कि मेरी बेटियों का घर खराब हो रहा था जी अच्छा बैड कमेंट्स की वजह से तो जो मेरे दामाद हैं और हम जैसे कि हम पठान लोग हैं हाँ। तो उन्होंने मेरी बेटी ने मुझे रात को कॉल की कि अब्बू मेरे किसी ने मेरी पीछे वीडियो बनाई थी हमारे पठान ने हाँ। तो बड़ी वायरल हो गई थी हाँ। तो मेरी बेटी ने मुझे कॉल की कि अब्बू ये बात है तो मैंने बोला बेटा मैं काफ़ी ज़माने से ये एक्टिंग कर रहा हूँ और जब मैंने तेरा रिश्ता दिया था तो सबको पता था कि मैं एक एक्टर हूँ तो मेरी बेटी ने कहा कि अब्बू ये मेरे मसले बने फिर दूसरी बेटी ने मुझे कॉल की कि अब्बू ये मसला बन रहा है तो मैंने बोला बेटा मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं अच्छे काम कर रहा हूँ और मैसेज दे रहा हूँ लोगों को हर चीज़ का एक मैसेज है मेरा हर मेरा जो भी टिकटॉक उठा के देखी है मैं एक मैसेज दे रहा होता हूँ किसी न किसी को तो खैर मेरी बहुत मुश्किल हुई और मैं उस रात को बहुत रोया जैसे क्योंकि मेरी बच्ची खासतौर बेटियाँ जो होती हैं वो दिल के टुकड़े होते हैं और वो बेटियों का जो रिश्ता है ना जिंदगी के अंदर वो बहुत अहम होता है हाँ और दूसरी बात ये कि कुछ अपनों को भी समझना चाहिए और कुछ लोगों को भी समझना चाहिए कि जब भी कोई इंसान कामयाब होता है तो उसके पीछे बोलने वाले बहुत लोग जी, होते, जी, हैं। होते हैं जब तक आप समझ लो कामयाब ही नहीं हो जब तक आपके पीछे कोई बोले ना जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं... अच्छा कॉल एक में उठा लेती हूँ फिर बात को कंटिन्यू करती हूँ हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दिलम के न ठीक ठाक है उम्मीद हो तो खुश हो तो हमेशा हम तरह भी अल्हम्दुलिल्लाह जी ताज दुआओं एंड रुको ठीक ठाक आया ताहम ठीक आयो अल्लाह पाक का करम अभी तमाम जबरदस्त गेस्ट तमाम जबरदस्त सिंगर तमाम जिमा पर मोहम्मद यूसुफ के बारे में तो जैसा आईटी इज अ वेरी गुड थैंक यू जी थैंक यू तमाम ड्रामा माशाल्लाह तमाम बेहतरीन ड्रामा ड्रामा की अदायगी अलग कैसा गल मोहम्मद यूसुफ सर हाँ हाँ बिल्कुल गल जी जी सर अस्सलाम वालेकुम भाई जान आप कैसे हो ठीक ठाक हो अल्लाह का करम रब का बड़ा करम नवाजी आप सुने अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे अल्लाह आपको हमेशा खुशियां दे आपके टिकटॉक तो आप माशाल्लाह बहुत वायरल हो गए और आपके एक्टिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आपका काफी में ड्रामा राजा के साथ देखा होगी मुझे अच्छा लगा पुलिस वाला में आपका जो जी शुक्रिया बहुत मेहरबानी आपकी नवाजिश से प्यार है आप लोगों का जी मैं जामिन भाई से भी बात करूंगा जी अस्सलाम वालेकुम
जी जी बस इंशाल्लाह जल्दी ईंदासीं वीज़ा खुले त हा हा बिल्कुल बिल्कुल आहे इंशाल्लाह नए साल में अचबो इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल जेके मुझे दुबई जा दोस्त दिसन पे मुझे अगलो गानो जी नाम जी जी दुबई जा कुछ पाकिस्तान रो जी मैं दिसन दा ने समाज सनावला गोपांग और गुरु चांदे और ये जा सऊदी को बिल्कुल सभी जी नाम कना से ओके दा थैंक यू सो मच दा प्रोग्राम में शामिल था थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सो दुबई मा कॉल हुई आई ता जा बरस्तार होया माशाल्लाह जी ता के दिसन आ कुछ ता के गुरान ता कुछ ता जा फिल्म्स ता जा ना अच्छा सो यूसुफ जो चण होयो तो उनन जो आ जने पंजो वीडियोस वगैरह ठायो तो उनन ला बैड कमेंट्स की वजह से उनकी फैमिली में प्रॉब्लम थियो तो इंसान जदे कामयाब थिनो उनन जे पोया बिल्कुल यकीनन इन गाल खा कोई मानु डिनाई न करे या इन गाल ता कोई मानु इनकार न तो करे सके तो उनन जे पोया गलत गालियो या गलत छियो न थिनो पर तहां जी त जका एकड़ी आदत आ उत आहे या है पर तहां सोची ना कयो तो जको अगलो आए उनन जी फैमिली ते छा असर पवंदो उनन जी पंजी जाती जिंदगी ते छा फर्क पवंदो आई हे सगी दुनिया जका या एक मकाफात अमल आहे जेड़ी तहां कंदो तेड़ी तहां सा थिंदो जेकर तहां के दिल आजारी था कयो के जो दिल था दुखायो तो यकीनन वो तहां सा बथिनो आ पर जेकर तहां चायो था तो तहां सा एड़ी शयो न थन तो तहां जको आड़ो कुछ भी न कंदा कयो कॉल आ है सर अच्छा जी कॉल आ है हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जामिन भाई से बात कर रही जामिन भाई से बात कीजिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अरे भाई दुआएं आप सुनाएं कैसे हैं ठीक है दुआएं आपकी अच्छा कौन बात कर रहे हैं आप कहाँ से बात कर रहे हैं सिंधी में गाला है ना मुझे भा लाड़काना में कॉल किया तो यकीनन ताकि सिंधी तो हिंदी हूँ दादा वो सिंधी में गाला है तकलीफ क्या है सिंधी में गाला है जी भा हेलो अच्छा नेटवर्क इशू थी सके तो व्यूअर्स जदे कॉल के प्रोग्राम में तो नेटवर्क जो ख्याल रखना कयो टीवी जो वॉल्यूम म्यूट करना कयो ता सा सजी गाल बोल चंगे तरीके ए सुठे तरीके थी सकंदी अच्छा हाने जके सा ता मट छु त ता जदे छ त मा एक्टर आया आई मा एक्टिंग का स्टार्ट मैंने एक्टिंग से स्टार्ट लिया है सो आपने आपकी फैमिली से कोई नहीं था एक्टर ठीक है टिकटॉक पे तो आपके अभी प्रॉब्लम्स शुरू है लेकिन जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की तब कोई फैमिली से आपको कोई प्रॉब्लम पेश आई नहीं उस टाइम में काफी पुराना मैं पीटी मुझे सामने स्क्रीन पे मेरी वालदा ने मना किया था अच्छा तो मैंने काफी अरसा बैकग्राउंड पे काम किया मैं फाइटर रहा मैंने थर्ड डॉन कराटे मैंने सीखे मैं थर्ड डॉन रहा ताई साहब के पास था मैं आप लगते भी थर्ड डॉन और फिर मैं बॉडी बिल्डिंग मैंने मिस्टर कराची का टाइटल 92 में मारा तो मेरी वालदा ने मुझे ये कहा था कि बेटा स्क्रीन पर नजर नहीं आना क्योंकि हम मौलाना टाइप के लोग हैं तो अच्छा ही लगता वाहिद मैं बंदा हूँ स्कूल के अंदर स्कूल में जब हमारे कॉम्पिटिशन थे ड्रामा था उसमें मैं कांग्रेस का मैंने कैरेक्टर किया था तो हमारी अब तो मरहूमा है उसको कहेंगे सुरैया बजी आपा उसने मुझे देखा मेरी एक्टिंग देखी उसने उस टाइम तो मुझे कहा कि आप ड्रामे में काम करोगे अच्छा, तो मैंने बोला अच्छा, कि मेरे घर वालों से पूछ लो मेरी पड़ोसन भी थी हम लोगों की तो मैं हमारे घर पे हुआ खुद उसने कहा कि बच्चे में टैलेंट है और ये बहुत खूबसूरत बच्चा है इसको काम करने दो आप मेरी वालदा ने बोला नहीं तो खैर मैं छुप के चला गया था पीटीवी में छुप के ले गया था फिर मैंने एक ड्रामा किया था फूल भंवर काफी पुराना ड्रामा है वो तो उसके बाद मेरी पीटीवी में रास्ता बन गया आना जाना हो गया तो फिर मैं काम नहीं करता था वालदा ने मुझे डांटा था अच्छा, तो वालदा वालदा होती है वालदा तो वालदा ने जब मना कर दिया तो फिर सारे राह बंद हो जाते हैं जब माँ मना कर दे औलाद को तो सारे राह बंद हो जाते हैं तो मैंने ये माँ को समझाया अम्मी मैं चलो मैं सामने नहीं आऊँगा मेरा शौक है तो मैं पीछे कैमरे के बैकग्राउंड पीछे रहूँगा कैमरे पर जो मैं और काम कर सकता हूँ मेरी माँ ने कहा बिल्कुल बेटा आप करो तो मैंने 15 साल कैमरे के बैक भी काम किए अच्छा जी जो हीरोज थे हमारे हमारे बीच में नहीं है तो उनके साथ भी मैंने उनके नेगेटिव किए उनके करेक्टर में मतलब अच्छा काम किया तो मेहनत मैंने शुरू से की और स्ट्रगल बहुत किए मैंने मैं तो ये कहूंगा कि अगर जो मुझे टिकटॉक पे ना पसंद करता है ठीक है एप उनकी अपने पास है मोबाइल में
पैकेज वो अपना कराते हैं, मोबाइल वो अपना यूज करते हैं, अगर मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ तो मेरे को ऊपर कर दें, ऊपर कर दें, देखे नहीं मुझे, ब्लॉक कर दो या कुछ भी, हाँ, कर कुछ सकते, भी कर सकते हो, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं। अब अगर बैड कमेंट्स देते हो मुझे तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अगर नहीं फैन तो मुझे 10 बंदे बैड कमेंट्स दे रहे हैं, 10,000 बंदे जो मुझे देख रहे हैं, मैं 10 बंदों के लिए उनको नहीं छोड़ सकता, 10 बंदों के लिए मैं उनको नहीं छोड़ सकता। और ये हिम्मत हर किसी के अंदर मैं तो कहती हूँ होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग इतना आपको तंज दे रहे होते कर रहे होते तो इंसान अंदर से डिसहार्ड हो जाता है, अंदर से वो बोलता है कि यार क्यों। तो खैर आपका जो ये जज्बा है इसको हमेशा कायम रखिएगा, बाकी ये लोग तो आएंगे जाएंगे बहुत सारे ऐसे। सो व्यूअर्स प्रोग्राम कंटिन्यू रखा से, पर प्रोग्राम में टाइम थी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, जो ब्रेक का पोलिसा रहो लाइफ स्टाइल सीजन 2। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम में एक बार बीयर तां के चौथा भलीकार है खुशामदीद। सो मेहमान असां सां गॾु मौजूद आहिनि ऐं असां सां गॾु ज़मीन में मौजूद आहिनि। सो ज़मीन खां मां पुछां पई, ज़मीन तव्हां काई अहिड़ी तव्हांजी ख़्वाहिश का अहिड़ी विश जेका अॼु ॾींहुं ताईं तव्हांजी पूरी न थई हुजे? मुझे इतना प्यार इस पब्लिक ने दिया है और मुझे बड़ा प्यार करती है पब्लिक, तो मैं खुश नसीब इंसान हूँ कि इस उम्र में इस एज पर मेरे अक्सर दोस्त मुझे बोलते हैं और मुझे एक बात कहते हैं मेरे साथ में जो है दोस्त ही कहूंगा उन्हें, छोटे मेरे एज छोटी उनकी, मुझे कहते हैं यार बाबा मेरे पठानी में नाम रखा हुआ है मस बुढ़ा। अच्छा मस बुढ़ा पश्तो में बोलते हैं, मेरे को लोग बोलते हैं, तो मेरे एक पश्तो का चलता था मस बुढ़ा के नाम से, तो उसमें तो मुझे बोलते हैं यार बुढ़ा तू एक बात बता कि तूने कौन सी दुआ मांगी थी जो आखिर में तेरे को इतनी इतनी इज्जत मिली। बिल्कुल अक्सर लोग मेरे दोस्त बोलते हैं मुझे जो मेरे साथ होते हैं, तो ये अल्लाह की देन है, इज्जत जब भी किसी को दे दे तो लक पर भी ज्यादा, लेकिन इज्जत तो मिल जाती है, संभालना बड़ा मुश्किल होता है, संभालना मुश्किल होता है। और ये टैलेंट और ये खूबी किसी किसी के अंदर होती है कि वो अपनी इज्जत को हमेशा बरकरार रखे, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको अगर शोहरत मिल गई, आपको हर पब्लिक की तरफ से प्यार मिल गया, तो आपके अंदर एक ऐसी चीज आ जाती है जो फिर दोबारा से वो नेगेटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक चीज आ जाती है, कोई आपसे बात करेगा, आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, या आपका लोगों के साथ किस तरीके से आप उनको फीडबैक दे रहे हो, तो इस हिसाब से भी जो है आपको वो भी सब चीजें मैनेज करके रखनी पड़ती हैं। अगर आप कुछ नहीं हो तो आप ये सब चीजें कर रही हो तो वो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब कुछ बन जाते हैं फिर करते हैं तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं आपके लिए और ये सारी चीजें होती हैं आपकी जिंदगी में। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ प्रोग्राम करके, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा आखिरी टाइम चल रहा है प्रोग्राम का और लास्ट ब्रेक भी है ज़मीन जो असां गानो में ॿुधंदा से वीने वीने तव्हां खां। अच्छा तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो तव्हां खे अॼु असांजे प्रोग्राम में कीअं लॻो? तमामु सुठो लॻो स्पेशली तव्हां सां मिली ऐं यूसुफ साहब सां मिली करे तमामु ख़ुशी थी। मुंहिंजो नंढो यूसुफ भाई जो फैन बि आहे। बिल्कुलु। अच्छा आप मुझे ये बताए टिकटॉक के बाद, वैसे तो आप एक्टिंग करते रहे, टिकटॉक के बाद आपने कितने शोज किए हैं, टॉक शोज? काफ़ी किए हैं। उन हर शोज में आपके जो ये सवाल, जिस तरीके से आपने जैसे ये बताया कि मैं पहले एक्टर था और ये सारी चीजें आपने बताई, मेंशन करता हूं, मेंशन करते हैं, क्योंकि मेरी असल मेरी पहचान मेरी एक्टिंग है। हाँ बिल्कुल, मेरी पहचान यहाँ से। और मेरे साथ बड़ी मेहनत की है डायरेक्टरों ने, मेरे सारे दोस्तों ने जो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे पे मेहनत की है, तो मैं उनके क्रेडिट तो देना चाहिए मुझे। और आपने जैसे बोला कि तकबर आ जाता है लोग जरा से फेमस होते हैं, तो मैं आपको इतनी बात कहूँ कि मुझे जो भी कॉल करता है मैं उसको उठाता हूँ, मैं रॉन्ग नंबर भी उठा लेता हूँ लोगों का, और मैं लोगों के पास खुद जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए, और काफ़ी टिकटॉकर पैसे मांगते हैं, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि मुझे पैसे दो, उनकी खुशी है, कोई गिफ्ट कर देते हैं, कोई क्या कर देते हैं, तो वो एक अलग बात है, वो अलग बात, उनकी खुशी है, उनकी खुशी। तो मेरे ऐसे मेरे चाहने वाले हैं मुझे, मैं कभी कभी सोचता हूँ आप यकीन करो कि वो मुझे अपने इतना एहसास दिलाते हैं कि ये मेरे अपने मुझे इतना पसंद लोग करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार अल्लाह ताला उनको भी इज्जत दे जो मेरी इज्जत करते हैं। बिल्कुल। और खासतौर में ये कहूँगा कि ऐसे तो पूरा पाकिस्तान मुझे सपोर्ट करता है, लेकिन मैं सिंध का बच्चा हूँ और मैंने यहीं परवरिश की, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं जवान हूँ,
यही बुढ़ा हो गया हूँ। हाँ। तो मुझे सिंधी कौम जो है ना मुझे बहुत लाइक करती है, ड्रामों से लेकर आज टिकटॉक तक। आज टिकटॉक तक बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छा नजर तहां हूं तो माशाल्लाह सिंधी असा सिंधी असानी मदर टंग का है, कितनी लैंग्वेजेस में तहां गायो है? उर्दू गायो है, सराइकी गायो है, पंजाबी गायो है, कितने कितने इंग्लिश भी गायो है। अच्छा हां बट मोस्टली पश्तो नहीं गाया ना मड़ा, पश्तो नहीं गाया वो आपसे सीखूंगा ना मैं पश्तो ही मड़ा गाया, पश्तो ही पाकिस्तान का जमान है बस पश्तो में ये आता है पखेर अगले, वो पखेर अगले तो सही अच्छी बात है कि शायर आवड़ा हां आवड़ा ऐसा कुछ, वो तो आपकी बात सही है लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हर जमान में मैंने हर जुबान में काम किया। हाँ, बिल्कुल। मैंने सिंधी में काम किया, पश्तो में किया, सलेकी में किया, पंजाबी में किया। हाँ। बलूची में किया। मैं कब ये सारी लैंग्वेजेस आपको बोलने आती हैं? मैं दूसरी बात बताऊं कि मैं थिएटर के भी आर्टिस्ट हूँ। थिएटर आर्टिस्ट क्या बात, थिएटर आर्टिस्ट मैंने अच्छे थिएटर काम किया और उसमें मेरे जो उस्ताद हैं उनकी मैं आज भी कदर करता हूँ। जाहिद शाह नाम है मेरे उस्ताद मोहतरम का, क्या बात, जो मेरे थिएटर के उस्ताद हैं मैं उनको सलूट करता हूँ। अभी एक ड्रामा था उसमें मेरा कैरेक्टर था भूरे के नाम से। अच्छा, और बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उसके थिएटर के, लेकिन अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे उस्ताद ने कहा कि यूसुफ पठान ये कैरेक्टर करेगा तो करेगा, वो मैंने किया और मैं बहुत फेमस हुआ। अच्छा वैसे अगर आपको कोई करेक्टर दिया जाए या आपको अगर एक्टिंग साइड पे हम लेकर आते हैं इस वक्त, ऐसा कौन सा करेक्टर है जो आप बहुत दिल से और आपकी फरमाए आपकी मतलब एक ख्वाहिश है कि मैं ये करेक्टर करूं और आज तक आपने वो करेक्टर नहीं किया? मैंने तकरीबन हर करेक्टर किया है, तकरीबन मैंने हर करेक्टर किया, ऐसे करेक्टर नहीं कि मैंने छोड़ा हो। और एक करेक्टर रह गया, किसी बच्चे का बाप बनना। किसी बच्चे का बाप बनना? अच्छा। वो बाप का करेक्टर नहीं किया मैंने। हाँ। वो भी ऐसे बच्चे का बाप बनना जो बिगड़ा हुआ। अच्छा, फिर बच्चा बिगड़ा हुआ उसमें क्या रोल हो? उसमें मेरे अपना ये कि उसमें मेरे बाप का करेक्टर हो कि मैं अपनी औलाद को किस तरह सुधारता हूँ। अच्छा, क्या बात है। अक्सर बाप जो होते हैं ना, अक्सर जो बाप होते हैं वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादती करते हैं, ज्यादती नहीं करनी चाहिए। मार से औलाद कभी भी नहीं सुधरती, ढीट होती है, ढीट हो जाती है। तो मैं एक सबक मैसेज देना चाहता हूँ उसके ऊपर, और मैं हो सकता है इस पर टिकटॉक भी बनाऊँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उस औलाद के लिए आप शफकत का हाथ रखो, प्यार से समझाओ, जितना प्यार करोगे दोस्त बन के रहो। मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं। हाँ। मैं अपने बच्चों को दोस्त समझता हूँ। हाँ। मैं उनसे मजाक करता हूँ, उनके उनके दिल की बेहतर मानता हूँ, बस गपशप करता हूँ। हाँ। तो मैं इस तरह करेक्टर ये करता हूँ। बाकी मेरे को मेरा जो शौक है करेक्टर का, खासतौर पर नेगेटिव करेक्टर का, फुल विलन का। बिल्कुल आपका फेस भी विलन वाला है। वैसे आप माशाल्लाह नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका जो फेस है वो विलन वाला ही है, आप पर बड़ा सूट करेगा। अक्सर हमारे जो डायरेक्टर हैं ये साहब भी और हमारे मामारी भी एक बात करते हैं। अब तेरा शक्ल जो बंदा देखता डर जाते हैं, तेरे से बात करता है बड़ा अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होता है, इंसान जो दिखता है उसका अंदर का तब पता चलता है जब आप उसके साथ बैठ के बातें करो या उसके साथ ट्रैवलिंग करो या उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। सो प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुल खत्म थी वो है जामिन मां चाहिं नम तहां जितना माशाल्लाह सुरीला रागी एड़ो सुर सा कोई असान जे व्यूअर्स के लो खूबसूरत को मैसेज दीना हालो। बस यो मैसेज इन दस्ता पान भी खुश रहो, बेन के भी खुश रहने दियो, आई जेतरो थी सके जे को भी कम करे तो पांजी मेहनत करे गए हो तो पांजी कम करे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं तो ये मैसेज दूंगा, जितने भी औलाद है हमारे बच्चे हैं, जितने भी तो जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो। माँ बाप होते हैं दोबारा जिंदगी में, वो कभी नहीं मिलते हैं। दोस्त मिल जाएगा, आपकी वाइफ मिल जाएगी, भाई सब मिल जाएंगे। एक माँ बाप का जो रिश्ता है वो कभी नहीं मिलता। जिसके माँ बाप जिंदा है वो अपने माँ बाप की कदर करें, इज्जत करें। जो दुनिया से रुखसत हो गए तो उनकी मगफरत की दुआ किया करो, दुआ करें हमेशा। आमीन जी। बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे आज आप लोगों से बात करके, आप लोगों से मिलके। इंशाल्लाह व्यूअर्स नेक्स्ट प्रोग्राम में भी पूरी कोशिश कंदासीं त अहिड़ा महिमान असां पाण वटि घुरायो जंहिंजे बारे में शायदि तव्हांखे न ख़बर हुजे। ऐं मां वेंदे वेंदे मां बि इहो ई चवणु चाहींदमि त इंसान कॾहिं बि कंहिं जी बि तरक़ी ते जेकॾहिं तव्हां ख़ुशि नथा थियो त एटलीस्ट कंहिंजी गिला बि न कयो, कंहिंजी दिल आज़ारी बि न कयो। तव्हांजे तरफ़ां त हिकिड़ो उहो नंढिड़ो हिकिड़ी लाइन जो कमेंट हूंदो आहे या हिकिड़ी नंढड़ी लाइन जो मैसेज हूंदो आहे, पर उनजी ज़िंदगीअ ते या उनजी ज़ाती लाइफ ते केतिरो फ़र्क़ु पवंदो आहे तव्हांखे इन जो अंदाज़ो शायदि न ई हूंदो, वॾा फ़र्क़ु पवंदा आहिनि। त मां इहो ई हिकिड़ो प्रोग्राम जे थ्रू सां सभिनीनि खे चवणु चाहींदमि, इंसान सोचींदो आहे त मां अहिड़ो कहिड़ो गुनाह कयो आहे या मां अहिड़ी कहिड़ी ग़लती कई आहे जो मूंखे अॼु इहा तकलीफ़ मिले पई, त तव्हां ग़लतियूं करे चुकिया आहियो पंहिंजी
तव्हांजी ज़िंदगी में उहे नंढड़ियूं नंढड़ियूं ख़ताऊं जेके तव्हांजी नज़र में नंढड़ियूं हूंदियूं आहिनि, तव्हांखे कुझु न लॻंदियूं आहिनि, त तव्हां उहे ख़ताऊं कंदा आहियो, उनजो कफ़ारो तव्हांखे भुगतणो पवंदो आहे। कंहिं बि रूप में उहो तव्हां वटि अची वेंदो आहे, छो जो जीअं तव्हां ॾींदव ओड़ो तव्हांखे ज़रूरु मिलंदो। तव्हां प्यारु ॾींदव तव्हांखे प्यारु मिलंदो, तव्हां नफ़रत वंडींदव तव्हांखे नफ़रत ई मिलंदी। तव्हां ईअं न सोचो तव्हां नफ़रत ॾियो था त तव्हांखे अॻियां प्यारु मिलंदो। सो जेकॾहिं ज़िंदगी ख़ुशहाल ऐं सुठी ऐं मुतमइन तरीक़े सां ऐं पॉज़िटिवली पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारणु चाहियो था त हमेशह पॉज़िटिव रहो, हमेशह प्यार मुहबत सां रहो ऐं हमेशह कोशिशि कयो त तव्हांजे तरफ़ां कंहिंखे तकलीफ़ न थिए, कंहिंजी दिलाज़ारी न थिए ऐं तव्हांजे तरफ़ां हमेशह माण्हू ख़ुशि हुजनि। ईअं छा थींदो त तव्हांजी हिन दुनिया में बि इज़त हूंदी ऐं मथी दुनिया में बि आख़िरत में बि तव्हांजी इज़त हूंदी। ज़रूरी न आहे तव्हां हिते आहियो तव्हांजे साम्हूं माण्हू तव्हांजी तारीफ़ था कनि त तव्हां पंहिंजे पाण खे कुझु सम्झणु लॻंदो। तव्हां उहे इंसान थियो जो माण्हू तव्हांजे साम्हूं त तव्हांजी तारीफ़ कनि पर तव्हांजे पोयां बि तव्हांजे सुठे लफ़्ज़नि में तव्हांजो नालो खणनि। सो प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु थी वियो आहे। इनशाले नेक्स्ट प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु हाज़िर थींदासीं नए महिमाननि सां गॾु, नए प्रोग्राम सां गॾु। तेसि ताईं पंहिंजो ऐं पंहिंजी फैमिली जो रखंदा खोड़ सारो ख़्यालु, मूंखे ऐं मुंहिंजी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अला हाफ़िज़। आख़िरी कलाम अमां सभिनीनि जे नाम। दिल जन सोली आहे दुखी पो जुदाई थई।